बेटा कितना भी बेकार हो, बेटी कितनी भी बेकार हो, बेटा गाली बकले, बेटी गाली बकले, पर माँ बिना बेटा बेटी के रह नहीं पाती है। दिन में गाली बकेगा, रात को माँ माफ कर देगी। बेटा भोजन कर लो, बेटी भोजन कर लो, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनकी माँ होती है। मैं प्रार्थना करूं, आप कथा सुनना या ना सुनना, पर एक बार अपनी माँ की आज्ञा का पालन जीवन भर जरूर करना। माँ आखिर माँ होती, माँ का हृदय श्रीमान बड़ा विशाल होता। बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी भी हो, बेटा परदेश में हो पर माँ हर पल परदेश में ना होते हुए भी चिंता करती। खाना खाया, समय पे रहना। बेटा गलत काम कर दे तो कोई दुखी हो या ना हो, पर माँ देख ले कि बेटा को दंड पहुंच रहा तो माँ ठहर नहीं पाती अपने आप। माँ अपने सारे बंधनों को तोड़ करके बेटा की खुशी देना चाहती। ये वही माँ जिसने 9 माह अपनी कोख में बेटा को और बेटी को रखा, ये वही माँ होती है जो खुद गीली में सो जाती पर अपने बच्चों को हमेशा सूखे में सुलाती। मैं प्रार्थना करूं, माँ को कभी दुख मत देना। वो अभागे हैं जिनकी माँ है वो माँ की सेवा नहीं कर पा रहे। माँ माँ नहीं, माँ तो ममता का दरवाजा है। माँ दरवाजा भी नहीं, माँ ममता की मूर्ति है। और मैं एक कहूं बात, हमने भगवान को तो नहीं देखा, माँ बाप गुरु को देखा, हमारे लिए तो यही भगवान है। तुमने अगर भगवान को नहीं देखा तो एक दिन माँ को देखना गौर से। माँ आखिर माँ होती है, माँ के पास नित्य रहो। माँ अगर कुछ कह भी दे तो तुम्हारे हित के लिए। माँ का दिल कभी नहीं डांटता, माँ डांटती पर माँ का दिल कभी नहीं डांटता। आजकल लेकिन हमने देखा कुछ ऐसे निकम्मे बेटा हुए और बेटी हुए, माँ को पिता को माँ की कोख को लजाते फिरते हैं। वो माँ जो 9 माह तक अपनी कोख में रखती है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके जन्म देती है, हमने देखा उन माँ बाप को कुछ निकम्मे बेटा अनाथा ले जा करके छोड़ देते हैं।